हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मॉडलिंग के हिस्से से आपके सामने पेश हुआ हूं। और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो अजीज प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से सुनते होंगे और पढ़ते भी होंगे। तो आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 9 में। क्या है चैप्टर नंबर 9 में? इससे पहले आपका था चैप्टर नंबर 8, जो आप मुकम्मल कर चुके होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें चैप्टर नंबर 9 में लिखा है मेहमान की खातिर। क्या लिखा है? मेहमान की खातिर। क्या लिखा है? मेहमान की खातिर तवाज़े, तवाज़ा, खिदमत, है ना। लिखा है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा हूं। क्या है? मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाइए। क्या कह रहे? मुझे खाना खिलाइए। आपके पास कई सारे साहबी बैठे हुए थे। क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे साहबा इकराम क्या थे? बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, कौन है जो इसको एक रात के लिए अपने यहां मेहमान रख ले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कौन शख्स है जो एक रात के लिए वो अपने घर में ले जाकर मेहमानदारी कराए, अपने यहां मेहमान रख ले। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो उसको एक रात के लिए अपने यहां मेहमान रख ले? हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह, ये मेरे यहां मेहमान रहेगा। या रसूलुल्लाह, ये मेरे यहां मेहमान रहेगा। ये कहकर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स को अपने साथ घर ले आए। क्या के? हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स को अपने साथ घर ले आए और अपनी बीवी से कहा, देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। देखो क्या है? देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है? मेहमान है। उनकी खातिर करने में कोई भी कसर ना करना, कसर माने कमी ना करना, उनके खातिर करने में कोई भी कसर ना करना, कमी ना करना, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये क्या है? मेहमान है। इसमें कोई भी खिदमत करने में कमी ना करना। तो आगे देखिए क्या होता है। बीवी ने जवाब दिया, घर में सिर्फ बच्चों के लिए, क्या है दिया, घर में सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। क्या है? घर में सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है, इसके अलावा और कोई चीज खाने पीने की मौजूद नहीं है। बीवी ने जवाब क्या दिया? प्यारे बच्चों, क्या जवाब दिया? जवाब यही दिया कि घर में सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा मुख्तसर सा खाना बचा हुआ है, बच्चे के अलावा हम दोनों को भी नहीं हो पाएगा। बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है, इसके अलावा और कोई चीज खाने पीने की मौजूद नहीं है। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से उसकी बीवी ने कही कि बच्चों के लिए घर में थोड़ा सा खाना है, इसके अलावा घर में और कोई चीज नहीं है। तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया देखिए, और उसकी बीवी कितनी अकलमंदी के साथ ये काम अंजाम दे रही है। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोच कर कहा,
हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोच कर कहा जैसे भी हो। क्या है? हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जैसे भी हो उस मेहमान की खातिर करना हमारा फर्ज है, जैसे भी हो उस मेहमान की खातिर करना, मेहमान के खातिर तवाज़ा करना हमारे लिए क्या हो गया, फर्ज हो गया कि ये मेहमान आजे और बाजे नहीं है, ये कोई हकीर छोटा मेहमान नहीं हुआ, ये मेहमान तो हमारे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है, इसलिए हम पर ये लाजिम हो गया कि इसकी खिदमत करें, इसकी तवाज़े करें, इसकी अदब व एहतराम से पेश आए। इस मेहमान की खातिर करना हमारा फर्ज है, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, तुम ऐसा करो कि बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो। क्या कर रहा है अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु? तुम ऐसा करो कि बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और हम खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाएंगे। आप क्या करेंगे? बच्चों को बहला फुसला करके सुला देंगे और हम खाना लेकर मेहमान के सामने पेश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे खाने के लिए। मेहमान जब खाना शुरू करे क्या करे? मेहमान जब अपना लुकमा शुरू करे तो क्या करे? चिराग की पतेली जो है, फतेला जो ये पलती जो है, उसको क्या कर देना है? गिरा देना और उसी को ठीक करने, उसको सुधारने की, इसमें से दिखावट के लिए सुधार के इसमें से क्या करे? चिराग बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और मेहमान खाना खाएंगे। मेहमान के साथ हम क्या करेंगे? मुंह चलाते रहेंगे, हालांकि हम खाने खाएंगे, मुंह चलाते रहेंगे, मेहमान खाना खा लेंगे और मेहमान ये सोचेंगे कि हमारे साथ अबू तलहा ने भी खाना खाया। ये आलम था हमारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान है, तुम ऐसा करो कि बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और हम खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाएंगे। क्या? हम खाना लेकर मेहमान के पास बैठ जाएंगे। मेहमान जब खाना शुरू करे तो तुम लो दुरुस्त करने के बहाने, क्या? तुम चिराग की पलती को दुरुस्त के बहाने चिराग बुझा देना। क्या करते? चिराग को बुझा देना। हम वैसे ही मुंह चलाते रहेंगे, हम खाली खाली मुंह चलाते रहेंगे, इससे मेहमान को ये पता ना चलेगा कि हम खाना खा रहे हैं या फिर हम ऐसे ही मुंह चला रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बीवी ने ऐसा ही किया, बीवी ने क्या किया? ऐसा ही किया। बीवी ने क्या किया? बीवी ने ऐसा ही किया, पहले तो बच्चों को बहला फुसला कर सुला दिया, फिर मेहमान और अपने शौहर के सामने खाना लाकर रख दिया। पहले क्या किया? अपने प्यारे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को बहला फुसला कर उसको सुला दिया। क्या कर दिया? उसको सुला दिया, सुला दिया, फिर मेहमान और अपने शौहर के सामने खाना लाकर रख दिया, खाना लाकर रख दिया। उसके बाद चिराग की लो दुरुस्त करने के बहाने उसे बुझा दिया। क्या कर दिया? चिराग के पलेती को सही करने के बहाने से उसको क्या कर दिया? बुझा दिया। दोनों मियां बीवी वैसे ही मुंह चलाते रहे, दोनों मियां बीवी वैसे ही मुंह चलाते रहे और सारा खाना मेहमान को ही खिला दिया, सारा खाना मेहमान को ही खिला दिया। अगले रोज जब हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए, अगले रोज जब हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में, प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं अबू तलहा के ऊपर छोटा सा रे और ज़ाद दिया हुआ है, तो वो किससे क्या पढ़ेंगे? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। आपके ऊपर भी स्वाद दिया हुआ है, तो स्वाद से क्या करना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत तारीफ की और फरमाया, क्या हाजिर हुए। अगले रोज जब हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत तारीफ की और फरमाया कि तुमने मेहमान की खातिर अपनी जानों पर जो तकलीफ उठाई उसकी वजह से अल्लाह ताला तुमसे खुश हो गया। यह खुशनुदी खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना दिए। किसको? अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को। क्या सुनाया? कि अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की वजह से ए अबू तलहा जो तू तकलीफ उठाया इससे आपकी ये फेल देख करके बहुत अल्लाह के नबी अल्लाह तबारकुल्लाह आपसे खुश हो गए। ठीक है, मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाब लिखिए। ठीक, तो ये अगला नेक्स्ट मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाब लिखिए। आने वाले शख्स की मेहमान नवाजी किसने की? तो प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन सवालिया लफ्ज आपको नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। आज के लिए आपका यहीं तक रहा, खास करके आप लोग दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।